आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। जैसा आप सब जानते हैं सॉलिड स्टेट सॉलिड क्या होता है, यह मैटर की एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। आइए थोड़ा सा हम लोग मैटर के बारे में चर्चा करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विच हैव डिफिनिट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कहने का मतलब मैटर इस यूनिवर्स का वह छोटा सा छोटा पार्टिकल है जिसके पास डिफिनिट मास होता है और वह कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की 5 कैटेगरी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड लास्ट इज प्लाज्मा। इधर हम लोग चैप्टर 1 में सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट की हम लोग कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सेकेंड, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। थर्ड पॉइंट की बात करें, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी हाई। फोर्थ पॉइंट, they have high melting point and boiling point. Fifth point, the term incompressible means हम सॉलिड पार्टिकल्स को कंप्रेस दबा नहीं सकते। एंड लास्ट पॉइंट, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। ओके, नाउ वी गो टू डिवाइड द सॉलिड। जनरली सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। हम लोग सॉलिड की स्टडी 2 प्रकार से करेंगे। पहला, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। नेक्स्ट इज एमॉर्फस सॉलिड्स। जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट इज मेटैलिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड एंड हाथ तो नहीं जा रहा यार इज मॉलिकुलर सॉलिड्स आर ऑफ आल्सो थ्री टाइप्स। 3 प्रकार के होते हैं, उसमें फर्स्ट हम बात करेंगे पोलर, नॉन पोलर एंड लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड्स। आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है और एमॉर्फस सॉलिड्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता। कहने का मीन्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो उनका अरेंजमेंट लॉन्ग पैटर्न सॉलिड होते हैं, लॉन्ग रिंग ऑर्डर सॉलिड होते हैं,
मीन्स अगर हम इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अरेंज करेंगे एक लंबे पैटर्न तक अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हम एमॉर्फस सॉलिड्स का अरेंजमेंट लंबे पैटर्न तक नहीं कर सकते। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं, या इनको हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने बताया आपको चार प्रकार के होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स। एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स आर आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें, ऐसे सॉलिड्स जिसमें मेटल और मेटल के बीच बॉन्डिंग बनती है उनको हम लोग मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। दूसरी बात करें अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स की, कोवेलेंट सॉलिड्स के बीच बॉन्ड की बॉन्ड बनती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस प्रकार की बॉन्डिंग बनती है उसे कोवेलेंट बॉन्डिंग कहती है, और जो सॉलिड बनता है उसे कोवेलेंट सॉलिड्स कहते हैं। आयनिक सॉलिड्स की बात करें, आयनिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स विच आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, विच आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, एंड द क्रिस्टल या सॉलिड्स विच आर फॉर्म दैट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स, मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग बनती है एक प्रकार की कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग बनती है, जिसमें आप बता सकते हैं एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पोलर मीन्स, पोलर सॉलिड्स कहने का मतलब जहां पे चार्ज का डिफरेंस पाया जाता है। हेयर पोलर सॉलिड्स HCl, हेयर हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव, दैट इज पोलरिटी इज एग्जिस्ट इन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल। बट इन नॉन पोलर सॉलिड लाइक H2, Cl2, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सेम डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो, सो पोलरिटी इज नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो इट इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, सिंस द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड टर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स कि वेन ए बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड नियॉन, सॉरी फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, देन विच बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड।